This is Sandeep Kochar and welcome to my webinar, which is on Strengthen Your Planet. And today we are talking about Mercury. And that's the reason I'm wearing green. There's a lot of green in my house. I love green, actually. Wherever I go, I love to, be in a place where there's a lot of nature. So green is always therapeutic in nature. It gives you a lot of positivity and you feel happiness from within. And I need to talk in Hindi. That is what people will remind me now. And they have suggested me earlier as well. So yahan shuru karte hain hum aaj ke khel ko jiska naam hai kaun banega kismatpati devi aur sajjano ji ye jo bolne ka jo tarika hai ye kaun aise bol sakta hai, you know, how without a script and and let me put off this fan so that yeah this is better. Fan is here actually, sorry. So जो कहते हैं कि इतनी इतनी अच्छाई से आप कैसे बोल लेते हैं, इतनी बिना स्क्रिप्ट के आप कैसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट सम एंकर, या अगर मैं बच्चन साहब की बात करूं या जितने ऐसे लोग हैं जिनको आप देखते हैं कि वो बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, तो ये ऐसा कैसे होता है कि यू नो कि अगर ठीक है टेलीप्रॉम्प्टर है, आज के जमाने में काफी चीजें बदल चुकी हैं, फिर भी वो इंसान बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प कर लेता है। और अगर मूवीज की बात करें, सीरियल की बात करें, वहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। यू हैव टू लर्न ऑल योर डायलॉग, यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी डायलॉग विद द नेम्स। नाम भी आपको पता होने चाहिए, यू नो, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के, तो उसकी माँ का नाम, रील नेम पता होना चाहिए, फादर का, भाई का, बहन का, उसकी गर्लफ्रेंड का, उसके बॉयफ्रेंड का, व्हाटएवर, देयर आर 100, देयर कुड बी 100 कैरेक्टर्स, यू शुड रिमेंबर दोस नेम इवन व्हाइल डिलीवरिंग अ डायलॉग। तो कैसे होगा, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड अ सीरियल ऑन सहारा वन, इट वाज सम 6 इयर्स बैक, एंड फॉर मी इट वाज अ बिग चैलेंज, बिकॉज़ जब आई वाज डूइंग अ शो विद जी न्यूज फॉर, इट वेंट ऑन फॉर 9 इयर्स, इट वाज लाइक एक्सटेम्पोर लाइक दिस, एंड व्हेन आई गॉट देयर ऑन द सेट, देन दे गिव मी अ स्क्रिप्ट, माय डायलॉग्स, डेढ़ पेज के डायलॉग तो मेरे तो हो छोड़ गए, बिकॉज बचपन से लेके मैंने कभी भी किसी चीज को याद किया ही नहीं। आई डोंट नो हाउ टू मेमोराइज थिंग, यू नो, बिकॉज आई एम ए वेरी केयरफ्री पर्सन। तो तोते उड़ गए भाई साहब कि अब क्या होगा, दो लाइन से ज्यादा तो मुझे स्कूल में कॉलेज में भी याद नहीं रही। देन आई रियली वर्क हार्ड एंड मैंने दौड़ाया कि इसको यूज कभी नहीं किया था, अब करना पड़ रहा है, यू नो, एट दिस एज। देन आई आप मेरी कभी टीम से पूछेगा, दे माइट बी वॉचिंग हियर, जितने मैंने एंकर लिंक किए या पहला हफ्ता निकल गया था रीटेक करते करते और टेक करते करते, उसके बाद भले ही वो डेढ़ पेज का डायलॉग था, दो पेज का डायलॉग था, आई सेट एवरीथिंग इन वन टेक, तो वो एक जुनून, यू नो। तो मर्क्यूरी इतना इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, जो मैं बताना चाहता था। तो ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में हमेशा कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं, यू नो, यू डोंट नीड ए स्क्रिप्ट, एंड आई एम अ वेरी अनप्लान्ड पर्सन दैट वे, बिकॉज नॉर्मली दो साइड होती है मर्क्यूरी की, जो मैं बताना चाहता हूँ, आई एम कमिंग टू दैट एंड व्हाई आई स्टार्टेड विद बच्चन साहब, बिकॉज उनका मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड है, एंड एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी कुड बी हिज सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑल्सो, क्योंकि ही इज ए परफेक्शनिस्ट। मर्क्यूरी पहले रूल क्या करता है, मर्क्यूरी रूल करता है हमारे इंटेलिजेंस को, हमारी सोच को, हमारे ख्यालों को, और सोच में ही सब कुछ है, सब कुछ, मतलब आप जो चाहते थे वही हुआ, जिससे आप भाग्य शादी करना चाहते थे कर ली, अब आपको वही इंसान पसंद नहीं, 6 महीने के बाद जब आपका हकीकत सामना हुआ तब लगा कि ये क्या हुआ, तो देन द सेम पर्सन यू आर नॉट लाइकिंग इट एनी मोर। तो क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ, आपकी सोच, आपका सोचने का तरीका बदल गया। तो थिंकिंग, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, अगर मैं करियर की बात करूं तो फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, राइटिंग, कम्युनिकेशन, जितनी ये दिमाग दौड़ाने वाली चीजें हैं, दे आर ऑल रूल्ड बाय मर्क्यूरी, एंड पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी, दे आर द वन हु अर्न लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी इन दिस लाइफ, क्योंकि मर्क्यूरी फाइनेंस को भी रूल करता है देवी और सज्जन। यानी अगर, और इंसान हम लोग क्या है, सब मटेरियलिस्टिक लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर ग्रीडी, बट बिकॉज ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ अवर डिजायर्स इन लाइफ, हमें मेहनत करनी है और कुछ पैसे हमें इकट्ठे करने हैं ताकि हम खुद का, अपने परिवार का, और उससे आगे बढ़कर हम अपने बाकी लोगों का, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, आपके दोस्त हों, आपके सोसाइटी के लोग हों, या फिर और आगे बढ़कर आप अपने शहर, और उससे आगे बढ़कर अपने देश के लिए, और सबसे आगे बढ़कर इस दुनिया के लिए जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए यू नीड सम मींस। बिल गेट, अगर हम बात करें, यू नो, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट एंड देन ही बिकेम द मोस्ट चैरिटेबल मैन ऑन द प्लैनेट। दैट मींस इफ यू वांट टू डू चैरिटी एट दैट लेवल यू नीड टू हैव लोड्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले मनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड। मैंने सारे एग्जांपल आपको कंपैशन के दिए, जरूरतमंद की मदद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए। तो मर्क्यूरी हमारे फाइनेंस को रूल करता है वेरी बिग टाइम, लेकिन क्या जिंदगी में फाइनेंस इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है?
मैं पिछले 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ एंड 20 इयर्स आई थिंक इट इज़ ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि 20 साल में कई करियर चेंज हो जाते हैं लोगों के, कई जॉब चेंज होती हैं, कभी आप सिटी बदलते हैं, कभी कंट्री बदलते हैं, कभी प्रोफाइल बदलता है, कभी इन्वायरमेंट बदलता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है। आई सीन लॉट ऑफ पीपल, यू नो, आई वॉज इन टू सेल्स, नाउ आई एम टू एचआर, होल सपाट। सो इतना उथल पुथल हो जाता है, लेकिन एक एक प्रोफेशन में जब आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आई थिंक यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट एक्चुअली, यू नो, बिकॉज 20 साल से अगर मैं एक ही चीज देख रहा हूँ दिन और रात, सितारों की ये चाल है, यू नो, और सितारों की चाल में कैसे इंसान फंस जाता है वो अगर मैं जानने की कोशिश करता हूँ और उसके हिसाब से अगर मैं दोनों लोगों की मदद करता हूँ, उनको प्लान करने में हेल्प करता हूँ, तो आई थिंक इससे बड़ी प्लानिंग नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि अगर प्लानिंग में सबसे ऊपर रखा जाए तो दैट इज एस्ट्रोलॉजी। कल क्या हो किसको खबर, पता ही नहीं है भाई साहब, किसको पता था, किसको पता था ये पैंडेमिक होने वाला है। सबने प्लानिंग कर रखी थी, सबने टिकट समर के, किसी ने लंदन के, किसी ने यूरोप के, किसी ने अमेरिका के करा रखे थे, यू नो, जाएंगे हर साल, दैट आई वांट टू गो देयर, हनी आई विल टेक यू दिस टाइम, आई प्रॉमिस यू दिस टाइम वी विल गो, वेयर आर वी, इन अवर कन्फाइंड इन अवर ओन होम। सो कहने का मतलब यह है कि एक प्लानिंग आप कर रहे थे, एक प्लानिंग कोई और कर रहा, और ये जो नेचर है उसकी प्लानिंग को कभी कोई जाना नहीं जा सकता। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स को ब्लेम भी किया, मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा हूँ, आई नो फ्रॉम माय सब्जेक्ट, और बहुत सारे ऐसे मीम्स आए, बहुत सारे ऐसे यू नो कार्टून बन के आए कि भाई ये कैसे एस्ट्रोलॉजर के भाई भरोसा करें जिन्होंने बताया नहीं। देखिए, इट इज नॉट लाइक दैट, मेडिकल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी तो नहीं बैठे थे लेके कि भाई साहब ये ड्रग हम पहले बना के बैठे हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है और ये आने वाला है। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, प्लैनेट्स हैं, दे क्रिएट सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज हियर एंड देयर, एंड आई हैड प्रेडिक्टेड एक्चुअली। यू गो टू माय फेसबुक और वेयरएवर, यू नो, माय ट्विटर, वेयरएवर यू सी इट, 19th of July 2018 को I had posted it clearly that 2020 and 2021 there will be a global recession, but I had no clue that it will be because of virus. So what I'm saying is ki planning hamari gadbada jati. तो ज्योतिष का जो सबसे बड़ा मैं कह रहा था, इससे बड़ा कोई प्लानर नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता जो आपको बता सकता है कि भाई साहब वेयर आर यू हेडिंग। तो इफ यू कैन प्लान थिंग्स फर्स्ट बाय थिंकिंग, टेकिंग अ डिसीजन बिकॉज ऑफ योर ओन थिंकिंग, because of your intellect, and then take input of astrologer, we can help you to you know either support it or he may give you another aspect to it, so that when you take a decision it will be a right decision. So that is something great. Ab hum shuru karte hain aaj ke khel ko jiska naam hai mercury, aur mercury ko hindi mein kehte hain budh grah. Voice is perfect, thank you so much. Mercury also rules your voice, your communication mode, how you are talking, how you are speaking and the way you think. So think before you speak, sabse bada muhavra hai budh grah ke liye. Normally we don't do, you know I'm so sorry, I didn't mean that, and I'm so sorry you got hurt, and I wanted to say something, you meant some, and you heard it in a different way, you took it otherwise, aur wahan pe phir kya hua, rift. To communication se hum apne rishton ko jod bhi sakte hain. Oh my god, you're looking so amazing sir, this shirt is looking great on you, aur aapko pata hai wo insaan ढक्कन कहते हैं जैसे कई लोग लग रहा था, लेकिन आपने उसको प्रेस किया, आपने किसी को बोला यू नो यू आर लुकिंग अमेजिंग आज भाभी जी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, वो बात अलग बात है कि आपकी वाइफ आपको घर आके बताएगी पार्टी के बाद कि जो कि वाइफ ने साड़ी नहीं पहनी थी और वो भाभी जी तीसरी बार वो साड़ी पहन के आई थी और आपने उनकी तारीफ करी, वाइफ की नहीं की। तो व्हाट आई एम सेइंग इज यूज योर कम्युनिकेशन इन द राइट मैनर एंड व्हाट यू आर सेइंग यू शुड नो दैट, नहीं तो इट विल बी अ सिचुएशन। तो मर्क्यूरी के दो साइंस होते हैं, एक है जिमनाइ जिसको हम मिथुन राशि कहते हैं, इट इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का दूसरा साइन है वर्गो। सन और मून को छोड़ के हर प्लैनेट के दो दो साइन होते हैं, तो वर्गो है और जिमनाइ। अब जिमनाइ में, जिमनाइ वाले लोग जिनका जिमनाइ में मर्क्यूरी, उनका बता देता हूँ, जिमनाइ असेंडेंट है या आपके जिमनाइ में आपका मर्क्यूरी है, तो ऐसे लोग क्या है, बिकॉज जिमनाइ इज ए एरी साइन, तो वो क्या करते हैं, वो लोग हमेशा उनका माइंड चलता है सोचने में, वो लोग क्या करते हैं, वो चीजों को विजुलाइज करते हैं, दे आर वेरी गुड एक्चुअली इन विजुलाइजिंग थिंग, यू नो फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड होता है उनका, वो उतने प्रैक्टिकल नहीं होते जितने वो फिलोसफिकल होते हैं, बट दे थिंक इन ए वेरी वेरी गुड मैनर, विच इज ए गुड थिंग टू हैव। एंड तीन नंबर के साथ मर्क्यूरी थर्ड हाउस, अगर काल पुरुष में देखें, तीन नंबर में जब मर्क्यूरी एसोसिएटेड हो जाता है, द पर्सन हैज ए नैग ऑफ राइटिंग, उनको लिखना बहुत पसंद है, दे वॉन्ट टू डू थिंग्स इन फ्रॉम देयर ओन हैंड, यार लेट मी डू इट, नो आई डोंट नीड इट, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। तो उनके हाथ में एक पेन यहाँ पे होगा, डायरी लेके चलते हैं, यू दे आर द वन, और जितने लोग मीडिया में हैं
जितने लोग जर्नलिस्ट हैं, दे आर द वन हु क्रिएट स्टोरीज एक्चुअली, बिकॉज दे नीड टू थिंक अ लॉट। फिक्शन जो क्रिएट करते हैं वेरी डिफिकल्ट, यू नो, एक आपको वन लाइनर दिया है और आपको फिक्शन उसका पूरा स्टोरी लिखना है, हाउ? यू कांट विजुलाइज। इट इज वेरी इजी टू सी अ मूवी और सम काइंड ऑफ सोप। अभी ये सब सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स में एंड यू नो दूसरे प्राइम में, और देयर आर मेनी एक्चुअली। तो वो सीरीज को कैसे होता है, कैसे एक आपको लगा कि दो कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट है उस पर एक सीरीज बनाई जाए, उसका नाम है फौदा। तो हाउ कैन यू क्रिएट इट? यू नीड इंसिडेंट, मिल गए आपको। अब उस इंसान की, हर इंसान की फितरत, हर इंसान की उसकी खुद की साइकोलॉजी, वो इंसान को गुस्से में बोलना है, वो इंसान को बहुत वो डरा हुआ रहता है, एक इंसान का बेस ज्यादा रखना है, एक इंसान बहुत अथॉरिटेटिव है, एक इंसान क्रिमिनल है, एक इंसान यू नो पुलिस में है, सबकी बॉडी लैंग्वेज, सबके टोन, सबकी कम्युनिकेशन का अंदाज, सबके डायलॉग डिफरेंट है। हाउ? क्या अटल आगे बोलता है मैं डायलॉग ऐसे बोलूंगा? नो। सो दैट मीन्स इट इज अ ग्रेट थिंग, इट इज अ ग्रेट एबिलिटी। उसके बिना मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी के बिना जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, हर प्लैनेट का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, बट यही इकलौता प्लैनेट है जो हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। कि भाई साहब आप परेशान क्यों हैं? बोले आई डोंट नो यार, बट मैं ऐसी सोच रहा था। अरे कमाल है भाई साहब, सोचने से परेशान हो गए। तो इस सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम, ये मेरा नहीं है कि सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर। सो दैट इज वॉट दे आर थिंकिंग। और ये बात मैं कर रहा हूं मिथुन के ऊपर, जेमिनी के ऊपर, जब आपका मर्करी। तो यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग टू मच इन फिलोसफिकल मैनर, इन एरी मैनर, तो यू माइट बी जस्ट थिंकिंग, बट वॉट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग इट? तो यू नीड टू हैव अ गुड कनेक्शन विद मार्स, यू नीड टू हैव गुड जुपिटर इन योर हॉरोस्कोप, विच कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ विजडम एंड द राइट दशा, विच विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट योर प्लानिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जेमिनी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है राहु। और अगर आपको ये पता है कि पैंडेमिक के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सबने कुछ ना कुछ अपना एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज एक्सप्लेनेशन बाद में, किसी भी घटना के घटने के बाद उसकी स्टोरी बनाना बहुत आसान होता है एस्ट्रोलॉजी में। क्यों? देखिए, ये इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसलिए आपका डिवोर्स हो गया भाई साहब, इसकी वजह से आपकी जॉब चली गई भाई साहब, इसकी वजह से ये हो गया। अरे पहले क्यों नहीं बताया भाई साहब आपने उसको? बता देते तो वो रिजाइन नहीं करता, या वो ठीक से बिहेव करता, एंड ही कुड हैव हैंडल्ड इन द राइट मैनर, बट यू डिडंट टेल दैट। तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको कोई पहले से बता दे तो जिंदगी आसान हो जाती। तो सेम हैपेंड विद पैंडेमिक। अब राहु बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग इन जेमिनी। राहु इज सपोज टू बी एक्सोल्टेड, उच्च का राहु। अब ये बताइए, एस्ट्रोलॉजी में दैट डे आल्सो आई सेड दैट एवरीथिंग हैज अ लॉजिक, इट इज एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग। सो राहु को ही जेमिनी में स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया गया? बिकॉज राहु इज ऑल्सो हियर। राहु इज अ प्लैनेट विच रूल स्पेस। राहु इज अबाउट एनीथिंग विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन का प्लैनेट जब इमेजिनेशन के हाउस में आ जाता है, एंड दैट टू अ साइन व्हिच हुज लॉर्ड इज अ प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, तो फिर वो जो राहु है उसको आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसका डिप्लोमेसी, उसका अटैक, उसका मैनिपुलेशन, उसका प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजी, दैट इज अ वर्ड। पीपल हु आर स्ट्रेटजिस्ट, दे हैव राहु ऑन द एसेंडेंट। एक सेकंड में बताता हूं, ये बच्चा बड़ा होकर स्ट्रेटजिस्ट बनेगा। दे कैन ईदर जॉइन पॉलिटिक्स और दे कैन बिकम पॉलिटिकल एडवाइजर एटलीस्ट। They are the one who can become entrepreneur because they need to think big, they need to go beyond, they have to have a vision. क्योंकि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे भाई साहब? फिर करोगे नहीं तो होगा कैसे? और निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे? निकलना allowed है नहीं, अभी confinement चल रहा है। तो what I'm saying is कि राहु को इसीलिए जमनाई से जोड़ा गया, because यहाँ पे राहु exalt हो जाता है। दूसरा sign है, वो है वर्गो। मर्क्यूरी का सेकंड साइन इज वर्गो। और अगर आपने कभी सुना हो हिंदी में कि मूल त्रिकोण राशि होती है, यू नो, हर प्लैनेट की एक मूल त्रिकोण, दो सन और मून को छोड़ के हर राशि के दो, हर ग्रह के दो राशि होती है, उसमें से एक मूल त्रिकोण कहते हैं। मूल त्रिकोण वो राशि होती है जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होती है आउट ऑफ टू, और मर्क्यूरी के लिए वर्गो इज मोर डोमिनेटिंग। अब आई विल टेल यू द रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहले मैं एक आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मर्क्यूरी इज द ओनली प्लैनेट इन द एंटायर जोडिया, इन द एंटायर एस्ट्रोलॉजी, विच गेट एक्सॉल्टेड इन हिज ओन साइन। यानी कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो खुद की राशि में एक्सॉल्ट होता हो। किसी को भी ये प्रिविलेज मिली ही नहीं कि भाई साहब यू विल वर्क फ्रॉम होम, योर होम इज योर ऑफिस, दैट्स योर हेड ऑफिस, तो इससे ज्यादा कंफर्टेबल क्या होगा? You know, you just wear a tie and maybe a pajama and you're sitting here, work from home, so you are very comfortable. You don't need to rush out, you don't need to meet with any kind of traffic or something. It is a great situation. So, Mercury is the only planet
which gets the privilege to get exalted in the sign of Virgo, which is something amazing. अब हुआ क्या? Mercury Virgo is a sign which is materialistic in nature, and ये वो sign है जो सब कुछ उसको materialistically चाहिए, और अगर वहां पे Mercury strong हो जाता है तो Mercury को जो चाहिए वो उसको platter में मिल जाता है. That means जो आप चाहते थे वही आपको मिल गया. तो a materialistic planet placed in a materialistic house becomes exalted, becomes very very strong. Take it like this. अगर किसी को exaltation का मतलब नहीं पता है तो that means Mercury सबसे ज्यादा strong होता है Virgo. और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए और अपने अपने हाथ खड़े करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड है. क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले 20 साल के अपने एस्ट्रोलॉजिकल करियर में मैं 100,000 से ऊपर कुंडलियां देख चुका हूँ. बिकॉज मैं जब टेलीविजन करता था और साथ में रेडियो भी करता था, रेडियो दुबई का था, 2 घंटे का लाइव, विच आई वाज डूइंग फ्रॉम एनीवेयर ऑन द प्लैनेट, किसी भी देश में मैं होता था वो लाइव ही होता था 10 से 12. तो वो क्या करता था, वहां पे मुझे 10 से 15 हॉरोस्कोप देखने को मिलते थे, और जब मैं टेलीविजन करता था वहां पे भी 10-12 हॉरोस्कोप एवरी डे. तो इतनी कुंडली अगर आप हिसाब लगा लीजिए 20 साल की, एंड देन ओवर द फोन, देन मीटिंग पीपल एंड व्हाटएवर, तो इतनी कुंडलियां देखने के बाद एक चीज मैं दावे से आपसे कह सकता हूँ, व्हेनेवर आई हैव सीन एनी हॉरोस्कोप, और ये बात आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, थोड़ी सी कंफ्लिक्टिंग लग सकती है, शायद आपने किताब में नहीं भी पढ़ी हो, लेकिन मैं एक चीज आपको बहुत शिद्दत से और बहुत कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि जिसकी भी जन्म कुंडली में मर्क्यूरी एग्जॉल्ट हो जाता है, बुध ग्रह कन्या राशि का होता है, दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स. वैसे ब्रांड ठीक ही बोलना चाहता मुझे, ब्रांड वॉज द राइट वर्ड एक्चुअली, दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स हु कैन इजिली मेक देयर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड. उससे ज्यादा डिफिकल्ट इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा. एंड आई नो यू विल हेट मी फॉर दिस. अब मैं देखता हूँ यहाँ पे किसने लिखा है. सरोजी तो ऑसम कह रहे हैं. नहीं, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया अभी तक. ओके, तो कोई बताना नहीं चाहता. अब तो कोई भी नहीं बताएगा मेरा एग्जॉल्टेड है. तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि मर्क्यूरी एग्जॉल्टेशन मीन्स योर थिंकिंग, आपका दिमाग वो इतना स्ट्रांग हो जाता है. दैट इज अ गुड साइड टू इट. आई विल कम टू इट. Your mind becomes so strong, so sharp, that you become perfectionist. There is no scope of any mistake in your life. सवाल ही नहीं उठता है कि exalted mercury वाले को आपने काम दे दिया और उसे इतनी सी भी गलती हो जाए. There is no scope. And they are the one who can earn great money, loads and loads of money, because for them they know what to do, what not to do. They are the one who plan things in a great manner. Then the one, their mind is always active. दिमाग चलता चला जाता है. आप सो रहे हैं कि सोच रहे हैं या सोते सोते सोच रहे हैं, पता ही नहीं है. Because you're always thinking, you're always planning, and that makes you a super intelligent person. Super intelligent. और ऐसे लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं. यही वो लोग हैं जो बैंकर बन जाते हैं. यही वो लोग हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने प्रोफेशन है, सेल्स है, मीडिया है, राइटिंग है, लॉ है, they are the lawyers. गलती से उनसे आप आर्ग्यू मत कर लीजिएगा, आपको घर तक छोड़ के आएंगे वो लोग, और आप उनसे कभी नहीं जी सकते. अगर आपकी वाइफ ऐसी है तो रोज सुबह उनको उनको नमस्कार किया करिए, क्योंकि जरा से भी आपने अगर उनसे आर्ग्यू कर लिया तो देन आपकी बैंड बच जाएगी. तो मैं कह रहा था ब्रांड एम्बेसडर और बैंड, तो बैंड ही कहना चाहता था, तो बैंड बच जाएगी फिर सब आपकी. और अगर भाभी जी सुन रही है तो आपके हस्बैंड का अगर एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी है तो एक चीज आप याद रखिएगा कि उनसे प्यार से बात कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, आर्ग्यू मत करिएगा, क्योंकि आप कोई भी लॉयर उनसे उनसे जीत नहीं सकता. They are born lawyers. They don't need a degree, and they are very good in their communication. And they are the one who are always ready with their homework. Har cheez tayari karke wo log aate hain. And because of being perfectionist, now you are writing correct. Shalom ne likha hai, jo main jis pe aa raha tha. Because of being a perfectionist, you are never, never at ease. Because ye jo dimag hai, ye kabhi rest nahi leta. And that becomes your biggest problem. Because आपका mind चलता चला जाता है और ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन. यानी वो ग्रह, एक भी ग्रह अगर एग्जॉल्ट हो जाए, उच्चिका हो जाए, जिसको हिंदी में कहते हैं, आपकी जन्म कुंडली में, वो आपकी जिंदगी बदल देता है, एक उच्चिका ग्रह. और मैं कह रहा हूँ कि अगर बुध आपकी कुंडली में उच्चिका हो जाता है तो आपका दुश्मन बन जाता है. वो अलग बात है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपसे ज्यादा पैसा कोई नहीं कमा सकता है, बशर्ते उसकी दशाएं आ रही हों, अच्छी दशाएं आपकी हों. बाकी कुंडली पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, बट ऐसे लोग
हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, बट ऐसे लोग हमेशा कभी कभी अकेले रह जाते हैं, यू नो, दे आर ऑलवेज इन ए सिचुएशन, बिकॉज उनको किसी से कनेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो हमेशा कहते हैं यू डोंट अंडरस्टैंड इट, यू नो, और वो वजह क्या है, मिसकम्युनिकेशन की. उनको लगता है कि तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इतनी सी बात उनके लिए है, किसी और, यू नो, जिनको समझने में 2 घंटे लगते हैं, इनको समझने में 2 मिनट लगते हैं. तो दिस काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन विल बिकम देयर एनिमी, एंड दैट्स द रीजन उनके रिश्तों में हमेशा कहीं ना कहीं तकरार आ जाती है, और कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है. तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. और ये पूजा कर रही है, I don't know about Mercury, but I always think no one understand me. Yeah, that is a problem, because you think in a different way. And Seema is carrying true, because she knows someone, in her family who has exalted Mercury. Ravi is also saying true. Very true, sir. You can't explain again and again. No patience at all. Yeah, that's right. Shalom is saying that. Huwai is also saying very true. Huwai utke punwail ka naam hai. Okay, great. So this is a dangerous Mercury. यानी एक प्लैनेट जो आपकी जिंदगी को बदल देता है, वही आपकी जिंदगी की बैंड बजा देता है. तो देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट, दैट मींस यू कैन अर्न मनी, बट एट द सेम टाइम यू विल बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो चेंज दैट अप्रोच. और मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, लाइफ इज नॉट अबाउट प्लानिंग योर थिंग्स इन द राइट वे, लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्शनिस्ट, लाइफ इज ऑल्सो अबाउट बीइंग इन अ हैप्पी स्टेट, इन अ काम स्टेट. सो वो जो कामनेस है वो आपको कब मिलेगी, व्हेन यू विल चेंज योर अप्रोच. When you will understand everything is not the way you think, there are bigger aspect to it. But exalted Mercury wale ko kaun samjhe? Because they can't look from another side. मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जो सबसे important है, वो है bigger picture. So if you are not looking at the bigger picture, then you will be in a great situation. So I will just suggest you to understand and understand this difference between two Mercuries. And find your Mercury, how it is placed and what you need to do. और अगर आपकी family में कोई ऐसा है, तो उसको आपको समझाना पड़ेगा बार-बार कि this is not the way to think, the way you are doing. So I think you need to change that. तीसरी बात अब मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि जेमिनी को choose किया गया for exalted राहु, वर्गो को choose किया किसने? Mercury became exalted. लेकिन एक और साइन है जो जो जिस प्लैनेट को वर्गो असाइन कराया गया, कौन सी ऐसे प्लैनेट को, सॉरी, विच प्लैनेट हैज बीन असाइन वर्गो. एक तो मैंने बताया कि एक ही प्लैनेट है पूरे जोडियाक में जो एग्जॉल्ट हो जाता है कन्या राशि में, और दूसरा प्लैनेट है जिसका एक रिश्ता है बुध ग्रह के अलावा कन्या राशि से, वर्गो से, वो है वीनस. वीनस गेट debilitated in the sign of Virgo. Why is the question? Can anyone answer me? I know there are a lot of people from you guys who are learning astrology or who are maybe a bit of astrologers already. I'll tell you. क्या आप लोग सोचते नहीं हैं? Astrology की जो psychology है, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि astrology is an ancient sign, more than maybe 10,000 years old, a part of Vedas, and it was only in Sanskrit. And जब उसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी और इंग्लिश में, तो उसका एसेंस का ट्रांसलेशन नहीं हुआ. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट वॉज जस्ट ट्रांसलेटेड लाइक दैट. और संस्कृत ऐसी भाषा है जिसका एसेंस अलग है, मीनिंग, लिटरल मीनिंग अलग है और एसेंस अलग है. सो वो जो साइकोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी इसीलिए डिफिकल्ट है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स आपको अलग अलग राय देते हैं. आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, किसी ने कहा अरे भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकता, किसी ने कहा आपका बहुत अच्छा टाइम है, किसी ने कहा ये टाइम ठीक नहीं. Why they are giving different opinion? Because they don't understand that, you know, how there are other aspects to it. There's bigger thing beyond that rule which you already know. There's something which is hidden behind it, the psychology of astrology, which I believe one should know. सबसे important, देखिए, why Venus get debilitated in the sign of Virgo or in the sign of Mercury. I'll tell you that. Mercury is intelligence. Venus is desire. Venus is lust. So when you become intelligent only in one direction, and that to lust, then you will be thinking all the time about it.
कहते हैं इट इज ऑल इन द माइंड, और दीज गाइज इज ऑलवेज इन द माइंड एंड दे आर द वन हु गो आउट ऑफ वे एंड ट्राई टू ओवर पावर द अपोजिट पर्सन एंड इंडल्ज इन टू रॉन्ग थिंग्स एज वेल. जितने लोग हैं जो जेल चले जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस, ये जितने मीटू के अभी जो एलिगेशन लगे थे, दे आर द वन हु हैव दिस प्रॉब्लम. दे कांट कंट्रोल देमसेल्फ बिकॉज फॉर देम इट इज ऑल हियर. दे आर थिंकिंग लाइक दिस ओनली बिकॉज उनका वीनस है द प्लैनेट ऑफ डिजायर. द प्लैनेट ऑफ लस्ट इज एसोसिएटेड विद इंटेलेक्ट. दैट मीन्स इंटेलेक्ट, योर इंटेलेक्ट हैज बिकम डर्टी फ्रॉम द लस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज द रीजन कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है कि भाई साहब प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत में दिमाग लगा रहे हैं. ये दिल का रिश्ता है साहेब, इसमें दिमाग नहीं चलता. तो दैट इज समथिंग विच इज बैड इन ए वे. तो सिक्स हाउस में वीनस हो, वीनस वर्गो में हो, तो इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता और कभी इधर को कभी उधर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही. एंड मनीष कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं या अब आपने लिखा है प्रशांत जो मैंने अभी बोला, या दैट इज आंसर. तो यू कांट हैव कंट्रोल ऑन इट, तो दैट बिकम वेरी वेरी डेंजरस एंड डिफिकल्ट ऑल्सो. सो दैट इज समथिंग विच वन शुड नो इफ यू हैव एनी कॉम्बिनेशन लाइक. एंड मैं एक चीज आपको वॉर्न करना चाहता हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं प्लीज नेवर इम्प्लाई इन योर फैमिली, नहीं तो आपकी बैंड बच जाएगी. क्योंकि ये तो एक एस्पेक्ट है. वॉट अबाउट गुरु ऑफ द पर्सन? What about moon of the person? What about other aspect, other planet? What about the spiritual side? What about the family background? What about the daily prayers the person is doing? What about his meditation if he's into? Then all these things he can overpower it. That is the purpose. You know, इसीलिए कहा जाता है कि अब क्या इंतजार करें. मैंने लिखा था कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का. अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का. जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदले. Destiny is fixed, ladies and gentlemen. Nothing can be changed, but a change is changed when you change. So when you are aware about your weaknesses, then understand it, realize it, and work on it. And that is the purpose of astrology. ये है तो इससे ये होगा. It is a wrong interpretation. यही सब कर रहे हैं. उसी वजह से कितने लोग डिप्रेस हो जाते हैं और उस कसम खाते हैं कि आज के बाद हम एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उसको एक बुकिश नॉलेज में ये बता दिया कि आपकी दिल की धड़कन ज्यादा है, इसका मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर है. उसको ये नहीं बताया कि आपकी नर्स इतनी ब्यूटीफुल थी कि मेरी धड़कने बढ़ गई. वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट. एनीवेज, जोक था. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं बताना चाहता हूं कि अब क्या करें. यू नो, अब आपका मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड है और किसी ने पूछा, या दैट इज वेयर आई एम कमिंग टू, हाउ टू स्ट्रेंथन अवर मर्क्यूरी. नचिकेता इज वेटिंग फॉर दैट. सी, मर्क्यूरी इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्किंग भी अच्छी होनी चाहिए. मैन इज ऑन बाय द कंपनी कीप्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मर्क्यूरी नाउडेज. मर्क्यूरी इज अबाउट आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आज की डेट में सब कुछ. इवन कार्स यू आर ड्राइविंग, यू नो, रिमोटली अभी सेल्फ ड्रिवन कार आने वाली. और जिसका मजाक आप बचपन से उड़ाया करते थे यार, उसकी इंटेलिजेंस देखो. यू नो, आई थिंक इंटेलिजेंस इज ऑल आर्टिफिशियल. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बिगेस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट. सो ये सब की चीजें किससे कंट्रोल है? मर्क्यूरी से. बायोटेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज मर्क्यूरी. यानी हर चीज के पीछे टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्ट, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. यू नो, आई एम सो पॉपुलर. यू नो, जिसका मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग होता है, कभी आप नोटिस करिएगा, कहीं पर भी आप किसी भी, इतनी सारी एजेंसीज हैं, यू नो, जहां आप जाते हैं नेटवर्किंग करने के लिए, अगर नहीं भी है, कहीं भी सोशल गैदरिंग है, वहां पे आपको बहुत सारे कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे हु आर ऑलवेज कैरिंग देयर विजिटिंग कार्ड होल्डर्स. और जब तक मैं दो लोगों को हेलो कर पाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कैसे हैं आप, यू नो, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, वो इंसान चक्कर काट के आके अपने 150 विजिटिंग कार्ड बांट के आ चुका होता. दैट इज द वे दे यूज देयर माइंड इन नेटवर्किंग. So exalted Mercury people, they are amazing. मतलब amazing है, उनके तालियां बजा रहा हूं, because उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता. अब Mercury के बहुत सारे other sectors हैं. Trading of energy, कितने लोग trading में हैं, किसी भी चीज की सामान इधर से आया उधर भेज दिया. आप manufacturing में नहीं है, trading में है. You are not making anything, you are just selling it. It comes under Mercury. मैंने law बोला, media बोला, communication बोला, networking बोला, finance बोला, marketing बोला, banking बोला, और इवन फार्मा इंडस्ट्री कम अंडर मर्क्यूरी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट. शेयर मार्केट, एकेडमिक्स बोला किसी ने, जुपिटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर दैट नीता. शेयर मार्केट,
बिकॉज इट इज वॉट इज शेयर मार्केट, इट इज ऑल अबाउट योर फाइनेंसिस. तो शेयर मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय मर्क्यूरी. ऐसे लोग जितने आपको शेयर मार्केट के दिग्गज लोग मिलेंगे, दे आर ऑल विद द सेम काइंड ऑफ मर्क्यूरी. दे आर थिंकिंग एवरी टाइम बिकॉज दे नीड टू डिसाइड लाइक दिस, दे नीड टू थिंक लाइक दिस. एंड वो हमेशा उनका माइंड चलता है एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ. इवन व्हाइल स्लीपिंग दे आर थिंकिंग लाइक दैट एंड दैट मेक देयर लाइफ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दे आर नेवर इट इज. उनको मैं हमेशा सलाह देता हूँ, प्लीज टेक अ ब्रेक. घर जाइए, गाना गाइए, म्यूजिक देखिए, दोस्त बनाइए. कुछ गोवा जाने वाले तो कुछ वैष्णो देवी जाने वाले, कोई भी आपका यू नो, हर तरह के आपके दोस्त होने चाहिए इधर, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी, भजन गाने वाले भी और गालियां देने वाले भी, ताकि आपको ब्रेक मिले, आप एक हैप्पी जोन में रहें. बिकॉज दे कांट टेक एनी ब्रेक इन लाइफ. एंड उन्होंने बताया आरजे, हाँ वाई नॉट, आई थिंक यू आर आरजे, आई थिंक यशवंत, यशवंती, यशवंत सोनी नाम है आपका. तो आरजे बिकॉज दे नीड टू कम्युनिकेट. जितने ये आपको टीवी में न्यूज एंकर्स हैं, दे आर ऑल रूल्ड बाय मर्क्यूरी. बिकॉज उसके बिना स्पीच चलता नहीं, माइंड चलता नहीं. समटाइम कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ, दे डोंट हैव टेलीप्रॉम्प्टर इन द इन फ्रंट ऑफ देम, दे नीड टू कम्युनिकेट. और कैसे लग रहा है दीपक आपको, कैसा लग रहा है? तो वो भी पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है भाई साहब, आपको गोली लगी है कैसे, गोली पहले लगी आप पहले गिरे? तो यू नो दे हैव टू कम्युनिकेट, यू नो. तो कई बार वियर्ड हो जाता है. तो दैट इज समथिंग गुड. तो मर्क्यूरी मतलब शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट जो है वो सबसे वोलेटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि वहां मिनट्स के हिसाब से चीजें ऊपर नीचे होती हैं. तो यू नीड टू चेक कि वन, यू हैव द एबिलिटी टू गो इनटू दैट एरिया, दैट बिकम्स योर प्रोफेशन ऑटोमेटिकली बिकॉज योर मर्क्यूरी इज एग्जॉल्टेड. बट ये जानने के लिए कोशिश करिए क्या आपका वक्त ठीक चल रहा है. चाहता तो मैं भी हूं, अरे मुझे याद आ गया, मैं सुनाने वाला नहीं था, ये लाइन से याद आ गया, आई रोट इट लॉन्ग टाइम बैक. चाहता तो मैं भी हूं अपनी तकदीर बदलना. क्या बात, चाहता तो मैं भी हूं अपनी तकदीर बदलना. अब तकदीर की मर्जी है वो चाहे ना बदले. तो तकदीर की जो मर्जी है वो आपको कौन बताएगा? वो आपको एक एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि दिस इज योर कैपेबिलिटी, दिस इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज योर एक्सपर्टीज मिलॉर्ड, बट योर टाइम इज नॉट राइट. तो तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आपके जो ग्रह हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं. तो थोड़ा सा दिल संभल जा, जरा मोहब्बत करने चला. तो दिस इज नॉट टाइम टू गो ओवरबोर्ड. अभी आपको बताया ये ग्लोबल रिसेशन है, दो साल पहले मैंने प्रेडिक्ट किया, अभी अगला साल भी मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल रिसेशन है. तो भाई साहब ओवरबोर्ड नहीं जा सकते, रिस्क नहीं ले सकते. तो कंट्रोल योर हॉर्सेस. ऐसे लोगों को डीमोटिवेट करना भी बहुत मुश्किल है. दे आर ऑलवेज हाईली मोटिवेटेड. उनको मालूम है कल मार्केट ऊपर जाएगा और शाम तक मैं विड्रॉ कर लूंगा, आई विल मेक दिस मच मनी. दे आर लाइक दैट. सो गुड फॉर यू, बट यू नीड टू बी कॉशियस बिकॉज अभी मौसम ठीक नहीं है. वेरी गुड. अब इसके बाद मैं कहूंगा कि लॉयर का नाम मैंने इसलिए लिया है खास तौर पर क्योंकि जब मर्क्यूरी आपका एग्जॉल्टेड है, और ना सिर्फ एग्जॉल्टेड है, आई नीड टू एक्चुअली मेंशन दैट आल्सो. मर्क्यूरी कम ऑन द असेंडेंट, द पर्सन इज ऑलमोस्ट लाइक एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी. मर्क्यूरी गोज इन 8th हाउस, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि जब आप पताल में मर्क्यूरी चला गया है तो इंसान रिसर्च में चला जाता है, हर चीज को डिटेल में. नो, आई एम नॉट हैप्पी, आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग. या मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड है तो आप गलती करेंगे नहीं, और आपको दूसरे वाले से लगता है कि ये गलती कर दे तो फिर क्या होगा, सारे काम आप खुद कर लें. आई नो यू कांट हैंडल इट, नो गिव इट टू मी, आई विल डू इट. आप ही बॉस हैं, सारे काम आप कर रहे हैं, और सबको पता है कि बॉस पहले सबको काम असाइन करेंगे और उसके बाद वो खुद ही उसको करेक्ट करने बैठ जाएंगे, बिकॉज ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड बिकॉज ही इज अ परफेक्शनिस्ट. तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम अगेन, क्योंकि मैनेजमेंट, सबसे बड़ी मैनेजमेंट की स्टेटमेंट है डेलीगेशन ऑफ पावर. अ गुड मैनेजर इज वन हु लेट अदर्स डू ऑल द जॉब. So need to do that, you need to delegate. So use your brain in the right way instead of correcting everyone. और ऐसे husband या ऐसे wife वो यही करते हैं, हर बात पे आपको correct करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मैंने कितनी बार कहा था सब्जी ऐसे मत बनाया करो, और मैंने कहा था you know मुझे वो वाले कप में तुम चाय दिया करो, ये क्या तुम कर रही हो, या ये तुम क्या कर रहे हो, this is not the way, you know. फिर तुमने towel यहाँ रख दिया, छोटे दिमाग में टक ड, और वो टिक टिक कहते हैं, वैसे किट फिट कहते हैं, किट फिट समथिंग लाता है, किट कैट तो चॉकलेट. So what I'm saying is, they make their life complicated by thinking too much, by reacting too much, by not ignoring things, and a small little thing become the big reason for their rift in their life. चाहे वो उनकी मैरिड लाइफ हो, या उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे उनके कलीग्स हो, या उनके बॉसेस हो, या उनके सबॉर्डिनेट्स हो, या उनके पार्टनर्स हो, या उनके फ्रेंड्स हो, they are the difficult people because they can't ignore things. You know, they can't overlook, they can't ignore. So that become their problem. लॉयर की बात मैं कर रहा था, क्योंकि व्हेन मर्क्यूरी मेक्स यू अ लॉयर देन यू हैव अ टेंडेंसी टू आर्ग्यू बिकॉज वो आपकी कम्युनिकेशन के साथ 10th हाउस में किसी ने पूछा था 10th हाउस ऑफ मर्क्यूरी मतलब
लॉ है, ट्रेडिंग है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू ट्रेडिंग ऑफ एनीथिंग। ज्यादातर लोग ट्रेडर बन जाते हैं 10,000 में, 5,000 में मर्क्यूरी, 11,000 में मर्क्यूरी है, वो लोग शेयर मार्केट में चले जाते हैं, लगन वाला मर्क्यूरी तो कुछ भी कर सकता है, बैंकर बन जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आती है बिकॉज यू आर बॉर्न लॉयर। 8,000 में मर्क्यूरी वाला इंसान साइंटिस्ट बन सकता है, रिसर्च कर सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, बिकॉज दे कैन लर्न एनीथिंग, बट यू नीड टू हैव अ बिगर पिक्चर ऑल्सो इन माइंड विच यू फेल टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू नो कन्वे टुडे, कि मर्क्यूरी को थोड़ा सा लाइट वेट बना दीजिए, उसको मत बनाए। किसी ने लिखा व्हाट अबाउट रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी, यू नो सर आई हैव heard that Mercury retrograde are born genius, is it true? Not at all, Srinidhi. Mercury retrograde genius नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो they want to things differently. They want to do things differently. उसमें genius में मैं नहीं कहना चाहता actually, क्योंकि कई बार you need to accept it. जैसे I'm doing astrology, मैं आपको कुछ convey कर रहा हूँ। Retrograde Mercury वाला क्या कहेगा? नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो अपना दूसरा mind लगाता है। Thinking retrograde मतलब reverse. He's thinking in a reverse manner. So They want logic for everything. ये कह तो रहा है पर ऐसा नहीं होगा, you know, इसके पीछे कोई और रीजन होगा, तो वो retrograde में वो then he become genius in again complicated thing. But अगर उसका Jupiter अच्छा है तो they have a tendency to create something different. और अगर मैं उनको एक compliment यही दे सकता हूँ, they have also have a tendency to do things in a different manner, which can become their secret of success also. So that is a positive thing about retrograde Mercury, which I'm just saying. Okay. Yeah, shalom, Mercury exalted people, they are good in maths. Yahi to problem hai. Because everything in their life become numbers. So numbers ki wajah se zindagi is not only numbers, man. Zindagi bahut kuch hai. Zindagi hai. Jeene ke liye. Ginne ke liye nahi. Dono mein bahut farak. You know. Okay. So lawyer ki baat main kar raha tha, so please don't argue. तो आपसे बहस कोई जीत नहीं सकता, और आप हमेशा बहस में जीतना चाहते हैं, और छोटी छोटी बातें आपको बॉदर करती हैं और प्रेयर करते हैं, इससे आपकी मैरिड लाइफ की बैंड बच जाती है। तो अगर वाइफ आपकी ऊंचा सुनती है तो वेरी गुड, अगर आपके हस्बैंड वाइज हैं तो वेरी गुड, नहीं तो वहां पे रिप हो जाता है। सीन लॉट ऑफ रिप, लॉट ऑफ डिवोर्सेज, लॉट ऑफ डिस्टेंसेज, डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट, दे कैन नॉट इग्नोर, दे कैन नॉट कीप देयर माउथ शट, दे आर द वन हु विल ऑलवेज कन्वे, ऑलवेज करेक्ट, हस्बैंड विल करेक्ट वाइफ और वाइफ विल करेक्ट हस्बैंड, वाइज वर्सा व्हाटएवर, एंड दैट कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो लाइफ में एक्सेप्टेंस जरूरी है। मर्क्यूरी हैव जीरो एक्सेप्टेंस एंड जीरो टॉलरेंस। आई नो आई एम ट्राइंग टू क्रिटिसाइज देम, मैं जानबूझ के आज क्रिटिसिज्म मोड में हूँ, जानबूझ के मैंने उसकी पॉजिटिव साइड बताई, लेकिन पॉजिटिव साइड को उतनी तवज्जो नहीं दी, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू मेलो डाउन। जो अच्छा है वो तो मैं बोला कि उससे ज्यादा पैसे कोई नहीं कमा सकता, उससे ज्यादा नेटवर्किंग कोई नहीं कर सकता, उससे ज्यादा पढ़ कोई नहीं सकता। दे कैन ग्रैब थिंग लाइक दिस, दे हैव डिजिटल मेमोरी, डिजिटल बाद में पैदा हुआ है, they have digital memory, they cannot forget things, and again this becomes their problem, because wo bolenge honey you remember my mom came and visited us at that time 10 years back and you said that, aur tum keh rahi thi ki tumhe kheer banani nahi aati aur meri mom ko kheer bahut pasand thi aur aaj tum kheer bana ke khila rahi ho mujhe, to usko yaad aa jayega, to phir wahi situation 10 saal pehle jo hum gaye the wahi se jhagda phir shuru ho gaya aapka, to this is something you need to understand, and yahi main koshish kar raha hu, अब क्या करें। अच्छा, यह तो हमने सब मर्क्यूरी की तारीफों में पुल बांधे हैं। अब पुल जब टूटता है मर्क्यूरी का, तो कब टूटता है? किसी भी ग्रह का पुल कब टूटता है, मतलब व्हेन अ प्लैनेट बिकम्स वीक, मर्क्यूरी बिकम्स डेबिलिटेटेड। किसी ने लिखा कंबस्ट, आई विल नॉट गिव वेटेज टू दैट, बिकॉज व्हाई आई डिडंट से अबाउट कंबस्ट, मैंने तो कंबकत इश्क कहा था, कंबक इश्क गाना था, इसलिए कहा था बिकॉज 99.9% सन इज विद मर्क्यूरी ऑलवेज, सो सन का कंबस्ट होना उतनी बड़ी बात नहीं है, उतनी बड़ी खबर नहीं है, एंड इट इज ऑलरेडी लिख दिया आंसर हेमा ने, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू हेमा, वेरी गुड, इट इज बुध आदित्य योग, बुध आदित्य योग, बुध इज मर्क्यूरी, आदित्य इज सन, इट इज बुध आदित्य योग, विच गिव्स लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड लॉट ऑफ ग्लो, लॉट ऑफ ग्लोरी, अमेजिंग। सारे राजा सब बुध आदित्य योग से ही पैदा होते थे सुबह के वक्त, लेकिन सन मर्क्यूरी या बुध आदित्य योग इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक कॉमन इज योगा, इससे कॉमन योग जो है जन्म कुंडली में नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, मर्क्यूरी सन एंड मर्क्यूरी टुगेदर, तो कंबस्ट के बारे में मैंने इसलिए नहीं बोला। जो डेबिलिटेशन है वो है कहानी, अगर आपको पता हो एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई ग्रह डेबिलिटेटेड हो जाता है, डेबिलिटेटेड मतलब जिसको टेक्निकल भाषा नहीं आती उनके लिए बोलता हूँ, नीच का हो जाता है, डोंट यू फील इट इज बैड, बुध ग्रह नीच का होता है, कोई भी ग्रह नीच का होता है, तो इट इज नॉट ए ग्रेट सिचुएशन। लेकिन मैं आपको बता दूं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, 20 साल और मोर देन 1 लाख हॉरोस्कोप, विच आई जस्ट सेड 100,000 हॉरोस्कोप्स द लास्ट 20 इयर्स पर्सन लेवल पे, या मतलब खुद देख,
मर्क्यूरी डेब्लिटेशन इज नॉट ए बैड साइन। ये बात भी आपको कुछ अजीब सी अटपटी सी लग रही होगी और किताब में लिखी हुई नहीं नजर आएगी। यू विल सी सॉल्ट एलिवर, भाई साहब आपका बुध तो बहुत कमजोर है भाई साहब। लेकिन मैं आपको बता दूं, आई हैव सीन दीज पीपल हैप्पीएस्ट पीपल बिकॉज वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वैसे नहीं करते जैसे उच्च के मर्क्यूरी वाले करते हैं। वो बहुत केयरफ्री होते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में, केयरफुल एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी, केयरलेस मर्क्यूरी कुंडली में ही नहीं शायद, मतलब या बाकी बैंड बजी हुई है, या फिर केयरफ्री व्हेन मर्क्यूरी इज इन डेब्लिटेशन। नीच का ग्रह और मैं कह रहा हूँ क्या बात है, यू नो ये कितनी अजीब सी बात है। तो ऐसे लोग सबसे लकी होते हैं बिकॉज दे आर केयरफ्री। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं पागल हूं, मेरा दिमाग खराब है। देखिए पाइसिन किसका साइन है? जुपिटर का। तो जब मैं बोल रहा हूं तो हाउ डेयर यू आर टॉकिंग, समझे मैं क्या कह रहा हूं? जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम, विजडम, विजडम। तो जब विजडम के घर में आप आए हैं भाई साहब, तो बैठ जाइए कोने, यानी वहां पे बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि यहां पे आपकी सद्बुद्धि आपको रूल कर रही है, आपकी विजडम आपको रूल कर रही है। तो यू नो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू नो दिस इज नॉट समथिंग वेयर यू नीड टू आर्ग्यू और यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड। यू विल लेट गो दैट, यू विल बिकम केयरफ्री बिकॉज नाउ यू हैव विजडम एसोसिएटेड विद योर इंटेलिजेंस। किसी किताब में लिखा होगा तो मुझे बता देना। एंड दिस इज समथिंग विच इज अमेजिंग, द बेस्ट थिंग फॉर ए पर्सन, या डिपेंड करता है वो कहाँ बैठा है, किसका लॉर्ड है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। Very imaginative, have no limits to their imagination. Einstein ने खुद अपनी जन्म कुंडली देखी थी और तब ये उन्होंने स्टेटमेंट लिखा होगा मेरे हिसाब से कि imagination is important than knowledge. So that means Mercury becomes imaginative. Mercury intelligence becomes wise. ये लाइन तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं गूगल में लिखी होगी आज तक। Intelligence becomes wise. Wow. तो ये सबसे ब्यूटीफुल बात है। तो जो लोग आपको कहते हैं कि भाई साहब आपका बुध ग्रह नीच का है, तो फिर आप बिल्कुल भी इस पे तवज्जो मत दीजिएगा। फील दैट यू आर ब्लेस्ड टू हैव ए मर्क्यूरी इन डेबिलिटेशन बिकॉज यू हैव ए वाइज साइड टू इट एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट लाइफ एंड यू लीड योर लाइफ इन अ वेरी केयरफ्री मैनर एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ पीस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ग्रेट। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे रह गई कि मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। वहां तो रह गया स्ट्रेंथन योर प्लैनेट। तो ये तो मैंने उसके नेगेटिव साइड बताया, उसके पॉजिटिव साइड बताया, और जो नेगेटिव था उसका पॉजिटिव साइड बताया, जो पॉजिटिव था उसका नेगेटिव साइड बताया। वेरी इंपॉर्टेंट, आई गिव यू अनदर डायमेंशन एंड एस्पेक्ट इन साइकोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। आई होप यू एंजॉयड इट। बट अगर आपकी कुंडली में बुध को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो आपकी हेल्थ का लॉर्ड है, प्रोफेशन का लॉर्ड है, फाइनेंस का लॉर्ड है, रिकॉग्निशन का लॉर्ड है, व्हाटएवर यू नो द लक का लॉर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? तो बोला गया कि बुध ग्रह का मंत्र करिए, और बुद्ध के जो भगवान हैं, हर ग्रह का एक भगवान, एक डाइटी बनाया गया स्पेशली फॉर हिंदुज्म बिकॉज ये जो हमारी ज्योतिष है ये वेदों का अंग है। तो ऑब्वियसली हमारा जो हिंदू जो कल्चर है उसी के हिसाब से सारी परंपराओं से चलती है। तो उसमें हर एक प्लैनेट का एक भगवान, एक डाइटी बनाया गया। तो बुद्ध के जो डाइटी हैं वो उनको माना गया। अगर कोई बता दे हु इज द लॉर्ड ऑफ मर्क्यूरी, गणेश, बिकॉज गणेश इज द लॉर्ड फॉर नॉलेज। तो जो इंसान गणेश जी की आराधना करता है, विघ्न विनाशक, तो पहला विघ्न क्या? आपकी सोच, आपकी सोच ही, यू नो आपने अपनी सोच में ही सब कुछ रुकावट जो है, इट इज ऑल हेयर, द प्रॉब्लम लाइज इन योर माइंड माय डियर फ्रेंड, नॉट सम रोड ब्लॉक वेयर यू आर ड्राइविंग। इट इज ऑल हेयर हाउ यू आर ड्राइविंग योर ओन यू नो द जर्नी ऑफ योर लाइफ, हाउ यू आर ड्राइविंग देयर। तो इट इज गणेश, यू नो। तो जो गणेश जी की आराधना करता है उसका मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग होता है, विघ्न विनाशक बोलते हैं, और द लॉर्ड ऑफ नॉलेज। तो डेफिनेटली आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, विजडम बढ़ता है, एंड यू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स एंड यू गेट मोर लर्निंग थ्रू गणेश भगवान, लॉर्ड गणेश। तो गणेश जी की आराधना करना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट बिलीफ, दे कैन वियर अ स्टोन फॉर एमरल्ड, फॉर Mercury, which is emerald, like I am wearing, is green color. मेरी जैकेट का कलर ग्रीन है, and this is a good quality. इसका कलर देखिए, you will like it. It is a different color stone. तो color plays a very important role. Go for a good quality stone. Go for a neat and clean, reasonable quality आप लीजिए ताकि इसका effect पड़े. Because stone तो आप कहीं से भी ले लेंगे, लेकिन क्या वो
उसकी जेन्युइनिटी कितनी है, कितना वो क्लियर है, क्या उसका जो प्राइस आप दे रहे हैं इज इट राइट। एंड ये मैं आपको एक जरूर सजेशन दूंगा, यू कैन लॉग ऑन टू gemguru.in एंड दैट इज अ वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड ऑल योर स्टोन विच आर जेन्युइन इन नेचर, वैल्यू फॉर मनी। एंड आई नो द ओनर ऑफ द पर्सन, ही इज भवन, हु इज अ जेम ऑफ अ पर्सन विच आई ऑलवेज से। सो भवन इज अ गुड soul, a good human being, is not only a businessman but a good person who understands your side of story and can offer you or even suggest you ki which stone is good for you that way, which in the sense price wise, because agar aap soche ki nahi mujhe bhi bhai sahab 5 lakh ka pehna hai and you don't have a budget, so will you take loan to buy it? No, that is not the right thing. To zindagi mein kuch bhi cheez hoti hai wo aap upgrade kar sakte hain. Maybe aaj aap ek apne budget ke hisab se stone lijiye, 2 saal baad usko upgrade kar lijiye, 5 साल बाद आप उसको और अपग्रेड कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, यू नो, टू बाय दिस वे। तो आप जरूर ये एमरल्ड, जिसके लिए भी अपने जन्म कुंडली दिखा गया, जिसको पता है तो आपको पन्ना पहनना चाहिए। अगर आपका हेल्थ का लॉर्ड है, लक का लॉर्ड है, अच्छे घरों का लॉर्ड है, उसकी दशा चल रही है, अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, तो यू कैन वियर वन एमरल्ड एंड स्ट्रेंथन योर मर्क्यूरी फॉर मोर फाइनेंस, फॉर मोर नेटवर्किंग, फॉर मोर प्लानिंग, फॉर मोर कम्युनिकेशन, फॉर मोर यू नो इवन एनीथिंग टू डू विद गैजेट और टेक्नोलॉजी, and use more humor and become more witty and more intelligent that way. So that is the planet. So gemguru.in, you can like the page, you can log on to gemguru.in. gemguru ka facebook page hai, aap like kariye, yahan ke sare future webinar ke posts bhi aapko wahan mil jayenge. You can like my pages as well, aap instagram, twitter ya facebook mein bhi mujhe follow kar sakte hain, and because this is the only way to connect. Abhi to address badal gaye hain sabke, these are the addresses where you find each other. So this is what I wanted to say. What I'll do is I'll see if मुझे ये आया नहीं पता करना कि मैं आपकी ऑडियो ऑन कर दूं, ऐसा 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 लगता है जो ना हुआ होने को है। आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है एकदम, क्या बात है। एंड मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को राहुल की, कैन यू हियर हिम, कैन यू लिसन, राहुल बोल रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? यस, ग्रेट, वी आर ऑन। तो राहुल, पहली बात मुझे आपसे सवाल करना है कि आपको ये वेबिनार कैसा लगा? सर, वेबिनार बहुत अच्छा लगा और मैं आपके वेबिनार को ट्राई करता हूँ कि कभी ना मिस करूं। तो आप कौन से सिटी में हैं अभी? सर, मैं बैंगलोर में हूँ। वाह, क्या बात है। देखिए राहुल, बचपन से आपका, बचपन से अगर मैं कहूँ कि आपको, आपका जो सबसे बड़ा क्वालिटी है वो ये है कि सर आप आगे बढ़े, उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये मैंने अपनी वाइफ के लिए पूछा है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, बच गए। अच्छा, नहीं तो मैं आपका 100% डिवोर्स करा ही देता। चलो बच गए, फिर तो ये वाइफ का है। आई एम जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ आपसे। देखिए आपकी वाइफ, मैं एक चीज आपको बता दूं, जिस दिन आपको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि अगर आपको लगता है कि आप अपने ऑफिस में बॉस हैं, और अगर आपको ये रियलाइज हो जाए कि घर में आपकी बॉस है आपकी वाइफ, तो उस दिन से आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। तो ये बात आप मान चुके हैं कि नहीं? हाँ सर, हमेशा से मान रहा हूँ ये बात। क्या बात है, तो आप बहुत ही वाइज इंसान है। मैं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि एक वाइज आदमी ही अपनी वाइफ को अगर जिस दिन जान गया, उस हिसाब से अगर उसने उसको वो स्पेस दिया, तो देन आपकी लाइफ सेटल। तो आपकी वाइफ को बचपन से एक गलत फहमी है भाभी जी को कि वो कुछ भी कर सकती है। राइट, वो इतनी डेरिंग है, वो कहती है राहुल आई कैन डू दैट, बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, बोले कैसे नहीं हो पाएगा, ये तो फिल्म का डायलॉग है, मैं करके दिखाती हूँ, आई विल डेफिनेटली। और ये वही इंसान है जो आपको पुश करता है टू डू समथिंग वेरी बिग। राहुल, व्हाई यू आर सो कॉम्प्लेसेंट, तुम्हें आगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है क्या? एम आई राइट? नो, सही बात है सर, ज्ञान बहुत ज्यादा मिलता है। मैं एक्चुअली आपकी वाइफ से ज्यादा आपकी तारीफ करूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हस्बैंड, इंडियन हस्बैंड का क्या प्रॉब्लम है, आई एम योर हस्बैंड, लिसन टू मी एंड यू डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, सो प्लीज डोंट इंटरप्ट। ऐसे हस्बैंड है मोस्ट ऑफ देम, बट आई रियली अप्रिशिएट कि तो आप एक समझदार इंसान हो जो अपनी वाइफ की सही क्वालिटी को यूटिलाइज कर रहा हो। आई अप्रिशिएट दैट। और आपकी वाइफ का एक बचपन का सपना है कि एक दिन बड़े होके मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। शी ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। सबकी मदद करने में सबसे अगर आगे कोई है तो वो आपकी वाइफ है। राइट? करेक्ट, सही बात है। बहुत ही क्रिएटिव है, हर चीज को ब्यूटीफुल तरह से करती है, लेकिन इनको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। डिप्लोमेसी की स्पेलिंग इनको आज तक नहीं है, और ये अगर कोई चीज इनके हिसाब से नहीं होती है तो ये तलवार भी निकाल सकती हैं, और अगर आपने कोई अगर ऐसी चीजें घर में नहीं रखी हुई हैं तो फिर आप हमेशा चोट से बचे रहेंगे, बिकॉज इनको गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। राइट? हाँ सर, सही बोल रहे हो आप। लेकिन आई कैन क्लोज माई आईज एंड ट्रस्ट ए पर्सन लाइक हर, वेरी वाइज, वेरी मतलब ब्यूटिफुल हार्ट, हार्ट इज मेड ऑफ गोल्ड। और आपको लगता है जब से आपकी शादी हुई है आपकी निकल पड़ी, यू आर फीलिंग गुड इन एवरी एस्पेक्ट।
हाँ सर, काफी स्टेबिलिटी है और एडवाइस बहुत अच्छा मिलता है, एंड सब कुछ काफी सही है। मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा कि सब कुछ काफी सही है। तो भाई ऐसी वाइफ मार्केट में नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं खाली एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब एक एक वाइफ एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन जाती है तो उसको अगर किसी तरह का डोमिनेंस या उसको सप्रेस करने का ऐसा लग सकता है उसको, तो फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी और वो सेंसिटिव जोन में चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सास बहू के झगड़े ना हो, क्योंकि आप अगर मदर की साइड नहीं लेंगे तो मदर बुरा मानेंगी, और वाइफ की नहीं लेंगे तो वाइफ तो फिर घर से निकाल ही देगी। तो ये आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बैलेंस बनाना चाहिए, बिकॉज शी हैज दैट वन वन इशू विच इज इमोशन। तो अगर इफ आई एम थिंकिंग समथिंग एंड इफ इट इज नॉट हैपनिंग, तो फिर ये बुरा मानने की कोशिश करती है। और पिछला कुछ वक्त ऐसा चल रहा है जिसमें सोच ये रहे हैं, हो वो रहा है, बहुत डिले जैसा सिचुएशन बना हुआ है। एक कंफ्लिक्टिंग दौर है, क्योंकि केतु इनके चंद्रमा के ऊपर से चल रहा है, शनि था अभी तक 2.5 साल से, तो काफी स्ट्रेस भी था, किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन वो अब निकल गया है। और आगे का वक्त मैं जरूर कह सकता हूँ कि इट विल बी अ गुड टाइम, एंड शी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, शी विल कीप ऑन डूइंग डिफरेंट थिंग्स। वो आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग में भी जा सकती हैं, वो क्रिएटिव चीजों में भी जा सकती हैं, वो उनको शी कैन बी अ गुड कंसल्टेंट ऑल्सो, और उनको गवर्नमेंट से जुड़ी कोई चीज से भी फायदा हो सकता है। तो अगर कोई एनजीओ या संस्था कोई आप खोलना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के तहत खोलेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। ये मुझे मालूम है, लाइन ठीक नहीं बोली मैंने, बिकॉज चैरिटी में फायदा नहीं देखते, दूसरों का फायदा देखते हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग, एंड शी कैन वेयर वन एमरल्ड एंड ए डायमंड, ये दो स्टोन ये जिंदगी भर पहने, ब्लू कलर इनका फेवरेट है। और बार बार आप कहते रहते होगे कि यार और कितना ब्लू खरीदोगे, तो ब्लू, ग्रीन, ऑफ एंड पिंक नेचुरली दे आर लकी कलर्स, एंड लकी कलर्स ऑटोमेटिकली फेवरेट कलर बन जाते हैं। तो अब आप इनका सवाल कर लीजिए राहुल। हाँ सर, सवाल बेसिकली करियर इन फाइनेंस को के रिलेटेड था। जी विथ रिस्पेक्ट टू करियर इन फाइनेंस, हाउ विल द फ्यूचर बी? तो ये कर दी क्या है और क्या करना चाहती हैं? शी इज इनटू आईटी, इनफैक्ट आई एम आल्सो इनटू आईटी एंड शी इज आल्सो इनटू आईटी। तो फ्यूचर राइट पर्सपेक्टिव राइट सेट की ये गेंस इनको उधर ही से मिलेंगे, क्योंकि ओके मर्क्यूरी ही इनका प्लेनेट है जो इनको गेंस देगा, वही लक का लॉर्ड है, इसलिए मैंने एमरल्ड बोला, एमरल्ड और डायमंड लाइफ लॉन्ग पहने। देखिए अभी मैं उनको खाली इतना बताना चाहता हूँ, राहु इज ए अनप्लान प्लेनेट एंड शी इज अ पर्सन ऑफ प्लानिंग। तो जब अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान हो रहा है तो वो उसमें थोड़ा सा इंसान अनकंफर्टेबल होता है। दूसरी बात है, राहु में गुरु की दशा चल रही थी, दोनों दुश्मन थे, इसलिए एक डिससेटिस्फेक्शन जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है, मजा नहीं आ रहा है। बोले ठीक तो है, सैलरी मिल तो रही है, बोले ठीक है, बट फिर भी यू नो उसको उसका इंक्रीमेंट हो गया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आई वाज लुकिंग फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मुझे नहीं मिला। एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है मन में। लेकिन अभी अभी 30 मई को शनि की दशा शुरू हो चुकी है एंड शी इज रूल्ड बाय सैटर्न, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मे बी इसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन भी हो सकता है, यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, आई डोंट नो इफ यू आर प्लानिंग, हाँ सर, वी उसका हैव भी दैट इन वक्त चल रहा माइंड। है। ओके सर, तो इधर एक बात और पूछनी थी। आपने शनि के बारे में बात की, तो राहु दशा में, शनि की अंतर दशा में काफी लोगों ने कहा है कि दुर्घटना का योग बन सकता है, देखिए ज्योतिष जो है, मैं तो बताता हूँ, ज्योतिष जो है ना वो डर का ही बिजनेस हो गया है। कि भाई साहब आप क्या, आपको आपका कोल्ड बंद नहीं हो रहा है, वो इसका मतलब आपको साइनस से ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई साहब, नाक की हड्डी टेढ़ी है शायद। तो सारे बिजनेस तो ऐसे ही हो गए। तो जब तक वो फियर क्रिएट नहीं करा जाए, मजा नहीं आता एस्ट्रोलॉजी करने में। देखिए राहु इनका थर्ड हाउस में है, विच इज द बेस्ट प्लेसमेंट टू हैव राहु। शनि इनका रूलर है, हेल्थ का ही लॉर्ड है, फाइनेंस का लॉर्ड है, गेंस के हाउस में है, इट इज ऑल परफेक्ट। और दोनों एक दूसरे से 5-9 पोजिशन में है। पोजीशन अगर गलत होती, कहीं और प्रॉब्लम होती तो और कहीं दिक्कत आ सकती थी। शनि ज्येष्ठा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में है और राहु शनि के नक्षत्र में है, तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। नवांश में बुध एग्जॉल्टेड है, शनि अपनी राशि में है, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एक्चुअली। तो आप ये सब में मत जाइए, दुर्घटना किसी के साथ नहीं घट सकती। कभी भी इंसान खड़े खड़े कोई टक्कर मार देता है, कोई 100 की स्पीड पे जाता है तब भी उसे प्रॉब्लम नहीं आती। तो इट इज जस्ट स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। तो इफ शी इज स्पिरिचुअल, अगर डेली प्रेयर्स करती हैं, मेडिटेट करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात सोचनी चाहिए। शनि की दशा में इनका इंक्रीमेंट होगा, बेबी भी प्लान कर सकते हो, आई डोंट नो शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट या प्लान कर रहे हो, तो दिस इज अ ईयर व्हेन समथिंग गुड माइट कम टू यू दैट वे। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरी शिद्दत से कह रहा हूँ ये बात। श्योर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड चलिए, यू वेलकम। आई विल कंटिन्यू टू वॉच ऑल योर सेशंस। काफी सीखने को भी मिलता है और काफी पॉजिटिविटी भी मिलती है, थैंक यू, तो आई कंटिन्यू टू लुक फॉरवर्ड फॉर ऑल योर सेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राहुल। और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट में मेरा जो नंबर है वो व्हाट्सएप मेरे पास ही है, वो नंबर जरूर डाइवर्ट है मेरे मैनेजर के ऊपर, बट वो व्हाट्सएप मेरे पास है, तो वहां पे आप अपना सजेशन दे सकते हैं। श्योर श्योर सर, थैंक डेफिनेटली। यू राहुल, टेक केयर, विश थैंक यू यू ऑल सो द मच। बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू सर, बाय। मनीष कह रहे हैं यू आर अमेजिंग सर। ऑल राइट, सो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, दीजिए संदीप कोचर को इजाजत। अब जल्द होगी आपसे मुलाकात रविवार के दिन। रखिए अपना ख्याल, अपना और अपनों का ख्याल। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।